अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हम सब का आज का दिन अच्छा गुजरे, हर खैरियत से गुजरे। और जिन औरतों को ये मसला है ना कि वो आज क्या पकाएं, उनके उनके इस मुश्किल का हल ये है कि वो मेरी वीडियोस देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि उनको ये जो है ना प्रॉब्लम कि हमने पकाना क्या है, ये उनका मसला हल हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आज क्या पकाना है। बहुत इजी सी रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ, जो हर औरत घर में रोज़ाना जो है बहुत आराम से जो है वो अपना चीज़ें बना रही होती हैं। ये जी आज अभी 12 बजे का टाइम है और ये हमारे हाय 12 बजे ये सूरत हाल है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल बने हुए हैं, धूप वगैरह नहीं आज, शुक्र है, नहीं तो बहुत गर्मी थी पिछले एक दो दिन में। लें जी आज शुरू करते हैं, बनाते हैं स्पगेटी। ये अभी शुक्र है कि मैंने नाम सही बोला है, स्पगेटी। अभी पानी बॉईल करेंगे इसका, और पानी के अंदर मैं ये थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा नमक डाल के, तो हम इसको पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर स्पगेटी डालते हैं इसमें। नहीं जी, ये हमारी स्पगेटी हो गई है बॉयल। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी, ये सॉस है मैगी सॉस, ये अपने आपको मिल जाती है पाकिस्तान में, मैं हर जगह पर मेरे ख्याल में ये मिल जाती है। तो इसके ऊपर मैंने मैगी सॉस डाल दी है। अब मेरे पास ये तीन ऑप्शन हैं, या तो मैं इसके ऊपर मक्खन डालूंगी या ऑयल। जो ऑयल हमने पहले इसके अंदर डाला था वो तो अब इसमें से वो पानी से रिमूव हो चुका है, और फिर ये है देसी घी वाली ऑप्शन। मैं चूंकि अपना घर में खुद देसी घी बनाती हूँ, तो मैं खानों में यही जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर अब जो है थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर डाल लूँगी। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोग पानी डालते हैं तो वो प्लीज़ मत डालें, वो जो है सही तरीका नहीं है। तो ये इतना सा देसी घी जो है ये इनफ है इसके लिए। तो अभी ये हमारी स्पगेटी जो है वो रेडी हो गई है, अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। ये लें जी, यहाँ पर ये कीमा जो है ये तैयार हो चुका है, बॉयल मैंने सिर्फ इसको किया है। और अगर आप लोग चाहें तो आप 1-2 चम्मच जो है वो ऑयल के डाल के या मक्खन के डाल के, तो उसके जो गार्लिक है उसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन करके फिर उस कीमे को उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे वो पसंद नहीं करते, गार्लिक का टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है गार्लिक के साथ। तो मैंने सिर्फ ये पानी डाल के तो ये जो कीमा है इसको बॉयल कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी, ये डालमिया सॉस है और ये मज़रेला चीज़। तो अब मैं इस कीमे के अंदर ये ऐड करने लगी हूँ। ये नहीं जी, मैंने इसके अंदर चीज़ और ये जो है पास्ता सॉस, वो दोनों चीज़ें डाल ली हैं, और अभी मैं इसको पकाना शुरू कर देती हूँ। जब ये चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमारी ये सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। ये ले जी, यहाँ पर हमारे ये सॉस तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये ऑरिगैनो डाल रही हूँ और उसके बाद हम इस चूल्हे को बंद कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर हम सर्व करते हैं। ये ले जी, अभी सर्व करते हैं स्पगेटी को। और इसके ऊपर फिर ये जो एक पाउडर है चीज़ का, ये आप डाल सकते हैं और ज़रा बच्चों के लिए और ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये हमारा जो है आज का लंच जो है वो तैयार हो गया। लंच है, डिनर है, जैसे भी आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं।
और फिर दोपहर के खाने के बाद ये मैंने अपने लिए और दानियाल के लिए चाय बनाई है। अक्षत तो चाय पीते नहीं है, तो दानियाल के लिए और अपने लिए बनाई है चाय, क्योंकि खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद स्पेशली ये चाय बड़ी लाजमी होती है। यानी चाय पीने के बाद अभी हम लोग निकले हैं ज़रा बाहर वॉक के लिए। मौसम भी अच्छा था तो सोचा थोड़ी सारी ना बंदा बाहर वॉक कर रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर वॉक के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर ना आज फिर कोई मैच हो रहा है। हर वक्त में यहाँ पर कोई ना कोई, इतनी ये पार्किंग फुल है तो इसका मतलब है मैच ही हो रहा है, कोई ना कोई मैच हो ही रही होती है यहाँ। ये हैं इस वक्त डेनमार्क में डीजल की पेट्रोल की प्राइसेस। ये 14.59 क्रोन ये पेट्रोल है ना, डीजल जो है वो फिर 13.79। ये वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं जरा मेन रोड की तरफ, और ये है सारा एरिया हमारा। ये लो जी, वॉक करते करते आपको अपना एरिया दिखा रहे हैं। ये है कब्रों के ऊपर लगाने वाले कतबे, स्टोन्स जो हैं। और ये यहाँ पर आप स्कैन करके तो जी कतबा अपना ऑर्डर कर सकते हैं। ये सुशी रेस्टोरेंट है हमारे बिल्कुल घर के पास है। और ये इस तरफ ये प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है इस इलाके में, जिन लोगों ने घर खरीदना है वो। और फिर ये साथ में हमारे लीडल है जहाँ हम तकरीबन रोज ही आते हैं शॉपिंग के लिए।